क्रंच सुन लेते हैं जिस हिसाब से। देखो क्रंच सुनो, सुना आवाज आई बहुत तेज आई होगी। अच्छा संडे के दिन तो यहाँ संडे सैटरडे संडे तो फ्री लगी होती, मतलब एक घंटे तक नंबर नहीं आता। अच्छा वो इतना मतलब यहाँ पे वो रश हो जाता रश आवर। ओके ओके भाई तो भाई ये देखो यार, ये लेयरिंग देख लो अपने आप ही। ये होता है भाई ऑथेंटिक अमृतसरी तंदूरी कुलचे में, इतनी सारी लेयर। भैया कितनी वाला कुलचा आ रहा है? मिक्स कुलचा ये। ओए होए होए हेलो हेलो जी, सत श्री अकाल आदाब, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है फूडिया मस्ती ऑफिशियल में। थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग टू एफएम फूडिया मस्ती ऑफिशियल। ठीक है, तो आज हम लोग आए भैया प्रॉपर अमृतसरी कुलचा खाने के लिए। कहाँ पे आए हुए हैं इस समय हम लोग? इस समय हम लोग आए हुए हैं जेल रोड में। तो दिल्ली में बड़े ऑथेंटिक अमृतसरी कुलचे बहुत ही कम जगह हमें खाने को मिलते हैं जो एकदम अमृतसरी वाला स्वाद होता है। तो हमें बड़ा ढूंढते हुए ये पता लगा एक अमृतसरिया करके रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट क्या सॉरी एक ढाबा है। ठीक है, तो पड़ता कहाँ पे? जेल रोड में पड़ता है। एक बार मैं लोकेशन अगर समझाना चाहूँगा तो साथ में सैंडोज है, एक बार दिखा दो। और मेरे अपोजिट में पड़ेगा यहाँ पे कोहली दा ढाबा जो कि यहाँ पे जेल रोड में बहुत फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं अमृतसरी कुलचा टेस्ट करने के लिए। ठीक है, और टेस्ट करके अभी ये बताएंगे, रिव्यू वगैरह भी देंगे। बाकी शॉप को कितना टाइम हो गया यहाँ पे, इसकी जो ब्रांच है मुझे यहाँ पे बात करते हुए पता लगा यहाँ के ओनर से कि ओरिजिनल जो ब्रांच है अमृतसरिया की रोहिणी में है। यहाँ पे इनको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ओपन किए हुए, तो बस अब क्या करते हैं टेस्टिंग करते हैं, रिव्यू देते हैं और किस हिसाब से सारी पड़ते किस हिसाब से सारे कुलचे वगैरह लगाए जा रहे हैं वो भी देखते हैं। बहुत ज़्यादा आँखों को खुशी देने वाला दृश्य रहेगा। चलो आ जाओ आ जाओ, तो भैया यहाँ के ओनर से बात करते हैं यहाँ के बारे में, टाइमिंग वगैरह जो भी है शॉप के बारे में बाकी सारी चीज़ें जानते हैं। तो भैया सत श्री अकाल, सबसे पहले तो नाम बता दीजिए भैया अपने। राजन, राजन नाम है आपका। तो भैया कितना टाइम हो गया अभी ये यहाँ पे? 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने, 5 साल से हमारी रोहिणी में है ब्रांच, रोहिणी सेक्टर 3 में। रोहिणी सेक्टर 3 में आपकी ब्रांच है? अच्छा, तो स्टार्ट किसने मतलब किया था? मतलब स्टार्ट मैंने किया था, ब्रदर है, हमने मिलकर किया था। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे भैया सबसे ज्यादा जो बिकने वाला आइटम है सबसे ज्यादा? वैसे मिक्स और आलू प्याज की ज्यादा सेल है। मिक्स और आलू प्याज दोनों जो न्यूट्री वो है आपके अमृतसरी कुलचे, वो ज्यादा यहाँ पे सेल किए जाते हैं। ठीक है, प्राइसेस वगैरह क्या रहते भैया? प्राइसेस भैया 80 रुपीज से स्टार्ट है, 80 रुपीज का सिंगल आलू कुलचा है। ओके अच्छा, और टाइमिंग वगैरह भी बता दीजिए। टाइमिंग भैया 8:30 सुबह स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, और 5 बजे तक होता है शाम। और आपके यहाँ न्यूट्री कुलचा ही मिलता है उसका भी कुछ टाइमिंग? न्यूट्री कुलचा भैया 8:30 बजे वो भी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, वो शाम के 10 बजे तक मिलेगा? शाम को 10 बजे तक मिलता है वो, संडे को नहीं मिलता, संडे को अवेलेबल नहीं रहता, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भैया एक बार देख लेते हैं आपकी पूरी मेकिंग वगैरह, फिर लगवाते हैं और टेस्टिंग वगैरह करते हैं। ठीक है ना, तो भाई एक बार चेक करो यार ये चीज़, ओरिजिनल अमृतसरी तंदूरी कुलचे का जो लेयर वगैरह देखो जरा इसमें, एक बार चेक करो इसको। ये भाई, तो भाई ये देखो यार, ये लेयरिंग देख लो अपने आप ही। ये होता है भाई ऑथेंटिक अमृतसरी तंदूरी कुलचे में, इतनी सारी लेयर। भैया कितनी हो जाती होगी? 8-9-10 परतें तो आ जाती होगी इसमें? 9 परतों का पूरा बनता है ये। ओए ओए, और इसमें बाकी ये सब धनिया वगैरह मसाला वगैरह जो भी है लगा रखा है, कसूरी मेथी वगैरह, बहुत ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये लग रहे हैं भाई हमारे कुलचे यहाँ पे, मिक्सअप कर दो भैया, कुलचे लगा रहे हैं भैया। साथ में सर्व क्या क्या होता है इसमें भैया? साथ में एक प्लेट में 2 कुलचे होते हैं। अच्छा, छोले रायता और इमली प्याज की चटनी, इमली प्याज की चटनी होती है, छोले रहते साथ में। और आप रिफिल दोबारा करवा सकते हैं जितना मर्जी कर सकते, अनलिमिटेड अनलिमिटेड है, दोबारा रिफिल करवा सकते हैं। अच्छा, तो भैया ये क्या लगा दिया इस समय इस पर? ये जो येलो येलो दही और देसी घी बटर, बटर का अच्छा, ये सब मसाले ही हैं आपके? अच्छा, खुद के प्रिपेयर करें। तो भाई अब देखो ये रे भैया कुलचे लग रहे हैं करारे करारे एकदम अंदर, तंदूर में लगा दिए गए भाई।
तो ये जो है ये पनीर का भैया फिलिंग है, ये पनीर है। अच्छा, ये पनीर की फिलिंग है भाई पूरी, इसमें देख सकते हो ये पूरा ये जाता है कुलचों के अंदर। तो भाई एक बार ना आप स्टफिंग चेकआउट करो, देखो भाई पूरा मुट्ठी भर के डाली जा रही है स्टफिंग, मतलब खाने पेशी में कोई भी कमी नहीं है इसमें, एकदम मुट्ठी भर के पूरा स्टफिंग एकदम भर के डाला गया है। और ये तैयार हो रही है भाई पूरी, देख लो बॉल तैयार हो गई इसकी कुलचे की। एक बार कच्चे करके ना आगे करनी है। ये देखो भाई ये चेक करो भाई, भर भर के भाई स्टफिंग डाली जा रही है। ये नहीं है बस छुआ छुआ के दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा भरी है स्टफिंग। जरा हैप्पी कस्टमर से एक बार उनका भी रिव्यू ले लेते हैं, कब से खाते हुए आ रहे हैं। तो पाजी सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? तो पाजी बताइए जरा यहाँ पे आपको क्या चीज़ खाना सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है? इसका कुलचा बहुत बढ़िया, अमृतसरी कुलचा बहुत क्रिस्प है, बहुत क्रिस्प है एकदम, बहुत मज़ेदार है। तो आपको, आप तो वैसे अमृतसर भी खाए होंगे, वैसे ही आपको टेस्ट पूरा आता है? बहुत जगह मिलता है पर ऐसे इसके जैसा टेस्ट नहीं है, नहीं है यहाँ का जैसा टेस्ट। तो अभी 8 मई मेरी एरिया में बहुत सारे लोग मतलब सुबह नाचते हुए, अच्छा संडे के दिन तो यहाँ संडे सैटरडे संडे तो भीड़ लगी होती, मतलब एक घंटे तक नंबर नहीं आता। अच्छा, वह इतना मतलब यहाँ पे वो रश हो जाता रश आवर। ओके ओके भाई, तो वैसे अभी आपने आज क्या ऑर्डर करवाया अपने लिए? मैंने अभी दो वो है आलू वाले नान, अच्छा, और दो एक उसका है गोभी वाला, गोभी वाला। उनके सबसे बड़ी बात जो है कि जो नान तो देखो फिर भी आटे का ही है बिल्कुल, मेन जो कारीगरी है वो उसके जो छोले हैं, ओके, बहुत बढ़िया है और चटनी प्याज बहुत बढ़िया। तो छोले इनके बिना प्याज लहसुन के होते? मैंने ये है एकदम अमृतसरी देसी, एकदम अमृतसरी स्टाइल, प्रॉपर अमृतसर वाला टेस्ट है। ओके ओके, तो वैसे आपको कितना टाइम हो गया वैसे यहाँ पे खाते हुए? मेरे को कम से कम 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया, ओके। चलिए मिलते हैं फिर पाजी, आप अपना लगवाइए। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया, थैंक यू पाजी। यहाँ पर कुछ और हैप्पी कस्टमर्स है, अभी अभी भैया ने फिनिश किया हमारे सामने। तो भैया कौन सा आपने पहले बताइए कुलचा लिया हुआ था? हमने लिया आलू प्याज का, आलू प्याज का कुलचा लिया था। कैसा लगा आपको टेस्ट वगैरह? बढ़िया लगा। तो आप फर्स्ट टाइम ही खाए हो यहाँ पे? यहाँ पे इस वाली शॉप में फर्स्ट टाइम खा रहे। अच्छा, आप रोहिणी वाले शॉप पे खाते रहते थे पहले? खाया मतलब वहाँ से निकलते। अच्छा, तो कभी आपने वैसे प्रॉपर ऑथेंटिक अमृतसरी वाले कुलचे खाए? तो वैसे एकदम टेस्ट वगैरह जो भी है वैसा सही है? अच्छा, वैसा सही है। मैम आप भी कुछ बताना चाहेंगे, आपको कैसा टेस्ट वगैरह लगा? टेस्टी लगा, अच्छा लगा। थोड़ी इसकी स्टफिंग के साथ साथ इसमें बटर की लेयरिंग थोड़ी और ऊपर करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा। अच्छा, ये एक सजेशन है एक तरीके से, थोड़ी सी बटर और इसमें अगर कर देंगे तो और ज़्यादा बिल्कुल बढ़िया बात है। तो भैया थैंक यू रिव्यू देने के लिए, मैम आपका भी थैंक यू, ठीक है। तो भाई एक बार ना क्रंच सुन लेते हैं जिस हिसाब से, देखो क्रंच सुनो, सुना आवाज़ आई बहुत तेज आई होगी। और ये देखो दूसरे कुलचे का क्रंच, भाई साहब ऑसम क्रंच था। तो भैया ये छोले जो होते हैं इसमें बिना प्याज बिना लहसुन के बिना तड़के के होते हैं? बिना तड़के के एकदम होते हैं, एकदम प्लेन छोले, जो भी स्वाद आता है सिर्फ मसालों के आते हैं, हैं? ओके भाई ये छोले देख लो और रंग से रंगत का पता लगा लो एक बार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत छोले लग रहे हैं, एकदम अमृतसरी एकदम स्टाइल के हैं। तो भाई अंदर पूरा प्रॉपर सिटिंग स्पेस है, यहाँ पे आराम से अंदर बैठ के अपना मील इंजॉय कर सकते हो आप, पूरा सिटिंग स्पेस है। अब भाई इनका चेकआउट करते हैं मेन्यू, ठीक है, बहुत तेज़ खींच दिया मैंने। तो एक बार मेन्यू में चेकआउट करवाता हूँ इसका इनका। तो ये है भाई यहाँ पे न्यूट्री कुलचा आपको मिलेगा, जो कि मैंने पूछवाया आज संडे को नहीं मिलेगा न्यूट्री कुलचा। मैदे का भी अवेलेबल है, आटे का भी अवेलेबल है, आलू कुलचा है, आलू प्याज कुलचा है, गोभी वेज कीमा कुलचा, प्याज कुलचा, मिक्स कुलचा, पनीर कुलचा। और सबके रेट भी आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे, एक पीस का भी आप ले सकते हैं अगर आपको एक पीस लेना है, आप डबल पीस भी ले सकते हैं अगर आपको डबल पीस लेना है। साथ में ड्रिंक्स में आपको कुल्लड़ लस्सी वगैरह मिलेगी, फ्रेश लाइम सोडा मिलेगा। तो अभी तो हम जो अपना ऑर्डर करवाने जा रहे हैं वो करवाने जा रहे हैं भाई मिक्स कुलचा और साथ में करवाएंगे प्याज कुलचा। तो हमने अपना ऑर्डर दे रखा है, अब वो जितनी देर में लग के आता है फिर हम लोग टेस्टिंग रिव्यू वगैरह आप लोगों को बताते हैं जैसा भी है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो भाई हमारा ऑर्डर अब लग चुका है, ये हमने लगवा रखा है अपना मिक्स कुलचा, अमृतसरी मिक्स कुलचा, मक्खन ऊपर देख सकते हो, उंगली से मैं कर भी देता हूँ। साथ में ये हमारा भाई आलू प्याज का कुलचा, ठीक है, और हम लोग अभी इसका टेस्टिंग वगैरह करेंगे। बाकी बड़ा अच्छा सा पीसफुल सा इन्वायरमेंट अंदर का हो रखा है, ज़्यादा गर्मी वगैरह भी नहीं है और अच्छा पीसफुल म्यूज़िक वो भी चल रहा है, अमृत वाली गुरुवारी भी चल रही है, ठीक है। तो अब टेस्टिंग करते हैं, तो पहले तो मैं टेस्ट करते हैं, पहले हम लोग टेस्ट करेंगे आलू प्याज का कुलचा। तो इसको मैं आगे रख देता हूँ एक बार, अभी इसको पीछे करते हैं।
आलू प्याज का कुलचा टेस्ट करते हैं, थोड़ी सी चेयर और आगे कर लेते हैं। तो ये छोले हैं, ये आपको अनलिमिटेड मिलेंगे, जितना चाहे आप ले सकते हो। साथ में ये हो गया भाई रायता, बूंदी रायता, ऊपर मसाला देख रहे हो। और ये साथ में इनकी चटनी, जिसके बारे में मैंने सुना बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, प्याज की चटनी। तो अब मैं टेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको और ज़्यादा मिला लेता हूँ कुलचे को, थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा इसमें मक्खन और ज़्यादा अच्छी तरीके से बिठा लेते हैं। तो भाई कुलचा बहुत हैवी है मेरे ख्याल से, तो एक में भैया आपका पेट भर जाएगा, आप अपने हिसाब से देखना अगर दो ले पाओ तो, ठीक है। तो ये रहा भाई, अब कुलचे के अंदर फीलिंग देखो, एक बार फीलिंग दिखा दो। तो ये फीलिंग देख लो पूरी तरीके से, इसमें मिक्स सारी फीलिंग कर रखी है, आलू की भी है, प्याज की है, पनीर भी दिख रहा है मुझे, साथ में मसाले दिख रहे हैं, कसूरी मेथी वगैरह भी दिख रही है इसमें। तो अब इसको करते हैं टेस्टिंग और बताते हैं इसका स्वाद। हाँ, तो ये बड़ा सा बाइट बना लिया भाई, और ये टेस्टी सा, भाई साहब अमृत, मज़ा आ गया भाई, ऑथेंटिक अमृतसरी कुलचा, मज़ा आ गया। वो वाली लाइन जो मेरी रहती ना, ओए होए 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 होए, अल्टीमेट सूट करती है कुलचे के लिए। मैंने एक आध बार शायद खाया भी है अमृतसरी वाला, तो सेम वैसा ही टेस्ट है। दिल्ली में वन ऑफ द बेस्ट अमृतसरी तंदूरी कुलचे में ये वाला कुलचा आ रहा है, मिक्स कुलचा ये। ओए होए होए, भरपूर स्वाद, साथ में मैं इनकी एक बार चटनी ट्राई मारता हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार चटनी है, प्याज की चटनी है, काफ़ी ज़्यादा टैंगी है, काफ़ी ज़्यादा हल्की हल्की स्पाइसनेस भी है इसमें, और बहुत ज़्यादा टैंगी है। एक अच्छा इसको कॉम्बिनेशन दे रही है, अगर आप कुल छोले और तंदूरी कुलचे के साथ अगर ये खाओगे चटनी, साथ में इनका ये रायता, रायता ठंडा ठंडा एकदम है, मज़ेदार है। हमने लस्सी भी ले रखी है। अब मैं थोड़ा सा इस प्लेट को पीछे करता हूँ, आराम से खाएंगे इसको। अब मैं ज़रा ये वाली प्लेटें कवर करता हूँ, ये आपकी आलू प्याज की, आलू प्याज का तंदूरी कुलचा ही, इसको भी एक बार देख लेते हैं पास से। तो ये देखिए आलू प्याज की फीलिंग देख सकते हो आप, प्रॉपर आलू प्याज की एकदम फीलिंग कर रखी है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है, और एक बार ज़रा टेस्ट करके देखते हैं फिर बताते हैं अंदर से कैसा है ये। तो ये इसी छोले के साथ मैं ट्राई मार रहा हूँ, सॉलिड टेस्ट है भाई, सॉलिड टेस्ट एकदम अप्रतिम, A1 लेवल का, बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। पता नहीं क्यों मुझे मिक्स से ज़्यादा अच्छा ये लगा है आलू प्याज का, क्योंकि इसमें आलू और प्याज का जो प्याज की क्रंचीनेस है वो भी आ रही है, आलू की सॉफ्टनेस भी आ रही है। दूसरा इसमें ना अजवाइन वगैरह जो डाल रखा है ना, वो आपके बाद में जो फ्लेवर बर्ड्स है ना, उसको बाद में हिट कर रहा है। बाकी जो इनका छोले हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा पानी वानी से दे रखा है, काफ़ी ज़्यादा रिच है एकदम ग्रेवी के साथ है। और एक बार मैं चटनी के साथ इसको कुलचे को लगाऊंगा, और फिर छोले के साथ एक बार ट्राई मारूंगा। तो ये चटनी है प्याज का कुलचा, प्याज की चटनी, और साथ में ये अमृत ये छोले, जो कि बिना प्याज और बिना लहसुन के हैं। तो कोई जैन अगर हमारे भाई लोग हैं वो भी आराम से इसको खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूनिक टेस्ट आया है। जैसे ही मैंने प्याज की चटनी जब आगे लगाई ना, तो जो प्याज का जो फ्लेवर है ना जो चटनी का, वो एकदम से हिट किया, फिर जाके छोले का फ्लेवर आया है। तो मतलब एक मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है ये, यहाँ पे आप आ सकते हो, खा सकते हो, अंबरसरिया नाम से है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी इस वाली ब्रांच को खुले, वैसे तो बहुत पुरानी 5-7 साल हो गए रोहिणी वाले सेक्टर को खुले हुए, तो आप आ सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, मेरे तरफ से अगर इसकी रेटिंग रहेगी तो रहेगी 9.5 या 9 तक मैं दूंगा। और साथ में ये देख सकते हो पूरी ठंडी ठंडी कुल्लड़ लस्सी है, ऊपर देख लो पिस्ते वगैरह हैं बिल्कुल। और मैं इसको भी टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर छोले भटूरे, छोले कुलचे और इस तरीके के अमृतसरी कुलचे जैसी चीज़ों के साथ अगर लस्सी नहीं ले रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ आप मिस कर रहे हो। वाह, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लस्सी है, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, बहुत ज़्यादा फ्रॉदी फ्रॉदी ऊपर जमा हुआ एकदम, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अब मैं चाहता हूँ
कि मैं ऐसा अकेले रिव्यू दे रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारा जो दोस्त है योगी, जो हमारे साथ जो दूसरा कोस्ट है, वो भी एक बार रिव्यू दे, क्योंकि ये जो तंदूरी किचन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। मैं चाहता हूँ कि वो भी इस चीज़ का रिव्यू बताए किस तरीके से उसको अच्छा लग रहा है। तो अगला कैमरा हम लोग जब फ्लिप करेंगे तो आपको योगी दिखेगा। तो भाई जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैन ने तो उसका भाई पोस्टमार्टम कर दिया, बिल्कुल जंगली इंसानों की तरह गाया है। इंसान तो खैर किसी भी शक्ल सूरत से नहीं लगता, ठीक है। तो मिक्स कुलचा आप देख सकते हो, मिक्स कुलचे की क्या हालत है, ठीक है। और सेम विद दिस प्याज कुलचा, ठीक है, प्याज कुलचे की भी सेम वैसी हालत हो गई है। चलो बस मुझे तो टेस्ट करना था, मुझे थोड़ी सी क्रेविंग हुई दिखाने की, तो दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा बोल दिया कि मुझे भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो दोस्तों क्रिस्पीनेस काफ़ी बहुत ज़्यादा इसकी हुए हैं। छोले भैया ने सर्व कर रखे है, चटनी है प्याज की और रायता है, ठीक है। अमृतसर की याद आ गई देखते ही कुलचों को। तो छोले है काफ़ी सिंपल है, नॉर्मल जैसे छोले होते हैं, लहसुन प्याज बिलाल कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और जो कुलचे है काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है और एक अलग सा फ्लेवर आ रहा है, क्योंकि मिक्स कुलचा है ना, तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डली पड़ी है। आपकी गोभी डली है, मटर डले हुए हैं, प्याज डले हुए हैं, आलू डले हुए हैं, पनीर डला हुआ है, गोभी डली हुई है, उसका फ्लेवर एक निखर के आ रहा है। उसके साथ में जो चटनी सब कर रखी है ना, उसका टेस्ट मैंने अभी तक नहीं लिया है। प्याज वगैरह की चटनी है, जैसे कि जैने बताया चटनी काफ़ी टैंगी है, लिटरली स्पाइसी भी है, क्योंकि टैंगीनेस को वो कवर कर रहा है। बाकी एक माइल्ड सा फ्लेवर आ रहा है मुँह के अंदर, बट ओवरऑल बहुत अच्छा है। इफ़ यू आर थिंकिंग टू विजिट हियर, यू कैन कम एनी टाइम, यहाँ की टाइमिंग हम आपको साथ शेयर कर देंगे। इसके साथ साथ मैं अपने प्याज का कुलचा भी थोड़ा सा देख लेता हूँ। प्याज का कुलचा भी सेम सिंपल है बिल्कुल। क्रिस्पीनेस दोनों कुलचों में, क्रिस्पीनेस की साउंड आपने वीडियो के शुरू में सुनी ली होगी भैया के हाथों, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है। अगर आप विज़िट करने की सोच रहे हैं वहाँ पर कुलचा पॉइंट पे, तो आप आ सकते हैं, ठीक है। एड्रेस हमने आपके साथ शेयर कर ही दिया है, ठीक है। चलिए गाइस, फिर हमारे चैनल को जब तक देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए। ओके।